कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी है राजस्थान की कि वो एक धमकी से डर रही है कि राजस्थान में भी गौरक्षकों को समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे धड़े हैं कांग्रेस से जो गौरक्षकों को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की, उसी का अगला चैप्टर अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में लिख रही है। मोहब्बत की दुकान जो थी खुली राहुल गांधी की, वो लग रहा है जुनेद और नासिर वाले केस के बाद बंद। मुझे ट्विटर पर धमकी मिल रही है कि भाई मोनू मानेसर के खिलाफ करोगे तो हरियाणा पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। तो आपने कहा कि हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं इस बात से खुश हूँ कि कौम के अंदर एक बेदारी आ रही है इस बात को लेके कि अगर कल नासिर और जुनेद थे तो परसों मिराज और अकरम भी होंगे। कि आज 9 दिन के बाद आप 8 में से सिर्फ एक को गिरफ्तार कर पाए हैं। मुआवजे के नाम पर जो घोषणा आपने की थी वो मुआवजा पहुंचा नहीं है। कि अगर आप आज जुनेद और नासिर के लिए इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते हैं तो कल चुनाव में कांग्रेस के साथ मुसलमान भी खड़ा नहीं होगा। पहले ही आपने पार्टी से इस्तीफा दिया, इस्तीफा जिस मुद्दे को लेकर दिया वो मुद्दा भी बहुत गर्मा गया है। खुद कांग्रेस के अंदर खाने भी इस बात को लेकर मुखालफत उठ चुकी है, मुखालफत हो रही है कि आखिर क्यों कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। और दूसरी तरफ जहां राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को अनऑफिशियली जो क्लीन चिट देने की कोशिश, अनवांटेड लोगों में जो नाम नहीं शामिल किया है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक रोज पहले ही पुलिस को ये धमकी दी गई थी कुछ लोगों के तहत एक सभा करके कि अगर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आए तो आओगे अपनी टांग पर, लेकिन जा नहीं पाओगे। कैसे इसको देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी है राजस्थान की कि वो एक धमकी से डर रही है। और आप ये बात देखिए कि 15 तारीख को ये घटना हुई है और आज हम 24 तारीख को यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक दूसरी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिर्फ जो एक गिरफ्तारी थी वही हुई है, दूसरी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब रही बात मोनू मानेसर की, तो वो इतना बड़ा डॉन बन गया है इस वक्त कि उसके लोग हर किसी को धमका रहे हैं। इवन मुझे ट्विटर पर धमकी मिल रही है कि भाई मोनू मानेसर के खिलाफ करोगे तो हरियाणा पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो एक बात आप सुन लीजिए कि जो आदमी कट्टा और बंदूक ले रहा है, हरियाणा पुलिस उसका तो साथ देगी और मजलूमों को गिरफ्तार करने का काम करेगी। तो आज नहीं तो कल खट्टर सरकार को कटघरे में हम खड़ा कर देंगे ले जाके। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं इस बात से खुश हूँ कि कौम के अंदर एक बेदारी आ रही है इस बात को लेके कि अगर कल नासिर और जुनेद थे तो परसों मिराज और अकरम भी हो सकते हैं। आपने बात कही कि खट्टर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन कटघरे में खड़े होने का जो वजूद है वो कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार का भी है। वो जिस तरह की हरकतें, और जैसे हम देखें कि पूरा का पूरा सवाल उठ रहा है कि कैसे जब पूरा पीड़ित परिवार कह रहा है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार करें, तो इन्वेस्टिगेशन में ये साफ बोल दिया कि वांटेड जो है वो दूसरे 8 लोग हैं, उन 8 में मोनू मानेसर का नाम है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली मोनू मानेसर को भी क्लीन चिट देने की कोशिश की। एक दिन पहले वो एक बयान आया था कि अगर राजस्थान पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आई तो आएगी अपनी टांगों पर, जा नहीं पाएगी। लेकिन देखिए राजस्थान पुलिस के बारे में और अशोक गहलोत के बारे में तो मुझे पहले से ही शंका थी, और अब वो शंका खुलकर साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस या तो डर रही है या वोटों की वजह से जो अशोक गहलोत सरकार है वो इनको किसी लेवल पर संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आपने एक एग्जांपल नहीं दिया जो मैं दे रहा हूँ आपको, कि कल ही जो है अशोक गहलोत सरकार ने एक नोटिस जारी किया है जुनेद और नासिर के घर वालों और करीबियों को शांति भंग का। तो आप मजलूम जो इंसाफ मांग रहा है उसको नोटिस दे रहे हैं, और जो गुंडा खुलेआम धमकियां दे रहा है, बवाल मचा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि राजस्थान में भी गौरक्षकों को समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे धड़े हैं कांग्रेस से जो गौरक्षकों को समर्थन दे रहे हैं, और उनका जो मन है वो इतना बढ़ गया है कि वो खुलकर इस बात को कहना चाह रहे हैं कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और अशोक गहलोत सरकार वाकई निहायत ही निकम्मी सरकार है जो इस लेवल पर पहुंच गई है कि आज 9 दिन के बाद आप 8 में से सिर्फ एक को गिरफ्तार कर पाए हैं। मुआवजे के नाम पर जो घोषणा आपने की थी वो मुआवजा पहुंचा नहीं है, और इंसाफ की गुहार लगाते हुए जो लोग आपसे मजलूमों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं आप उनको नोटिस दे रहे हैं। अशोक गहलोत को शर्म नहीं आती? इसलिए एक तरफ अभी पवन खेड़ा को जब गिरफ्तार कर लिया तो सारी कांग्रेस दुहाई देने लगी कि ये हमारी स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो मजम्मत है, और बीजेपी को एक से एक कहानियां सुनाने लगी। कांग्रेस तुम खुद अपने गृहबान में नाप झाक के क्यों नहीं देखते कांग्रेस के नेता कि क्या कर रहे हैं वो जुनेद और नासिर के घर वालों के साथ, क्यों नहीं दे रहे हैं उन्हें इंसाफ? आपने ट्वीट किया कि मोनू मानेसर को जो है वो क्लीन चिट दी गई है, कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी थी। तो जब पूरी की पूरी पुलिस और पूरी की पूरी सरकार एक आदमी से डर जाती है, देखिए ऐसा है, मोहब्बत की दुकान जो थी खुली राहुल गांधी की, वो
वो लग रहा है जुनेद और नासिर वाले केस के बाद बंद हो गई है, और या तो मोहब्बत की दुकान अभी चली गई है छुट्टी पर, तो वो इलेक्शन के टाइम पर लौटेगी। और एक बात ध्यान रखें, कांग्रेस सरकार और राजस्थान सरकार और कांग्रेस का आला कमान, कि अगर आप आज जुनेद और नासिर के इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते हैं तो कल चुनाव में कांग्रेस के साथ मुसलमान भी खड़ा नहीं होगा। हमने देखा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह की चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं जो मुजरिमीन है उनको बचाने की कोशिश हो रही है, जैसे पहले भी होता रहा है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान की जिंदगी, मुसलमान की जो जो जिंदगी है, क्या वो इतनी सस्ती हो गई है कि उसको जो चाहे मार दे, जो चाहे जला दे और कोई बोलने वाला ना होगा? खुद पूरी की पूरी सरकारें, सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारें भी चुप्पी थामे खड़ी नहीं है। कांग्रेस इस वक्त बीजेपी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की, उसी का अगला चैप्टर अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में लिख रही है। और जुनेद और नासिर के साथ जो हुआ है वो नहायत ही गलत है, और उसके बावजूद ये सब के सब चुप्पी ताने बैठे हुए हैं। अभी अलवर में कल पूरी की पूरी कांग्रेस मौजूद थी जितेंद्र भंवर सिंह की बेटी की शादी में, लेकिन अलवर से चंद मिनट के रास्ते पर जो है भरतपुर पड़ता है, वहां ना राहुल गांधी पहुंच पा रहे हैं, ना उनका ट्वीट पहुंच पा रहा है, और ना ही अशोक गहलोत पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, जब चुनाव में आप मोहब्बत की दुकान खोलने आओगे तो हम उसका जवाब आपको वोट के हिसाब से देंगे।